वेलकम बैक टू फूड नगरी बाय यूबी ई मीडिया। और आज हम आ गए हैं वाराणसी में एक्सप्लोर करने यहाँ की लस्सी। स्पेशली यहाँ का चाट बहुत फेमस है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे बहुत ही स्पेशल टाइप की लस्सी मिलती है। इस लस्सी की स्पेशल बात यह है कि इसके ऊपर से रबड़ी डलती है जो इसको स्पेशल बनाती है। आज तक मैंने तो टेस्ट नहीं करी है, लेकिन आज मैं यहाँ टेस्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कैसा है इसका टेस्ट। और इसी के साथ यहाँ के ओनर से बात करेंगे कि इनकी शॉप कितनी पुरानी है और क्या स्पेशल बनाया है इनकी लस्सी ने। तो क्या स्पेशल है यहाँ की लस्सी में? यहाँ पे सभी दीजिए, ये रबड़ी लस्सी है, केसर वाली रबड़ी लस्सी है, ये रबड़ी मलाई है, और एक आता है मलाइयो जो सिर्फ जाड़े में बनता है विंटर्स में, ओनली 3 मंथ। तो अभी अवेलेबल नहीं है मलाई? अभी तो बन रहा है घर पर, अभी था पूरा खत्म हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था, लस्सी के ऊपर रबड़ी क्यों डालते हो आप लोग? ये बनारस का स्पेशल है, केवल बनारस में मिलेगा रबड़ी लस्सी आपको। आप कितने सालों से ये शॉप लगा रहे हो? ये हो गया 30 इयर्स। 30 इयर्स तो मतलब ये आपकी जनरेशनल चल रही है या? हाँ, वही पापा दादा स्टार्ट किए थे। और हमारे चैनल के थ्रू आप क्या बोलना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को और यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट को, जो आज तक यहाँ पे आए नहीं और उन्होंने ये वाली लस्सी टेस्ट नहीं करी है, तो आपके लिए कोई मैसेज हो उनके लिए? ऐसे बनारस तो सभी फेमस है रबड़ी लस्सी के मामले में, मलइयों के मामले में। आप ही के पास क्यों आना चाहिए, बस आप ये बता दीजिए। बस सही है, बनारस में दुकान तो बहुत है, बस टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है रबड़ी लस्सी होती है। तो हम भी टेस्ट करते हैं आपकी लस्सी और बताते हैं आपको कैसे है आपकी स्पेशल लस्सी। निकालो भाई।